नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। बिहार में इन दिनों उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है ताकि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिल सके और उद्योग स्थापित हो सके। बता दें कि बिहार में पटना के बिहटा और फतुहा के साथ साथ रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात कही गई है। बता दें कि बिहार में भी लॉजिस्टिक नीति अपनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में उद्योग और कारोबार के विकास को लेकर लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक पार्क बन जाने के बाद से कच्चा माल मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि रोजगार में भी बढ़ावा मिलने वाला है। बिहार में लॉजिस्टिक पार्क बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि लॉजिस्टिक पार्क और सड़क किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कोइलवर पुल के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने यह बात कही थी। लॉजिस्टिक पार्क को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि बिहटा में करीब 100 हेक्टेयर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। बता दें कि इसके लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। हालांकि इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया पूरी होनी अभी बाकी है। बता दें कि यह राजधानी पटना के पश्चिम दिशा में स्थित है। वहीं अगर हम फतुहा की बात कर लें तो राजधानी पटना के पूर्व में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस लॉजिस्टिक पार्क का चयन इसलिए किया गया है ताकि पटना एयरपोर्ट से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, यानी कि बिहटा और फतुहा दोनों ही लॉजिस्टिक पार्क को इसी मकसद से बनाया गया है। इसी तरह अगर हम रक्सौल की बात करें तो यहाँ पर इनलैंड पार्क होने से वहाँ से नेपाल की कनेक्टिविटी जो है आसान हो जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के पास में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि रक्सौल और हल्दिया दोनों ही जगह पर बंदरगाह है और वहाँ जहाज के उतरने वाले सामान को देश के अन्य हिस्सों में पहुँचाने में सुविधा मिलेगी। इसकी कनेक्टिविटी बिहार से होने के कारण यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेगा। बता दें कि लॉजिस्टिक पार्क में खाद्य और अन्य वस्तुओं को रखने, कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाएं होती है। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक पार्क बन जाने के बाद से देश के दूसरे हिस्से से सामान को उस पार्क में रखा जा सकता है, यानी कि जब हम प्रदेश के दूसरे हिस्से से कोई सामान लाते हैं तो उसे जो है हम लॉजिस्टिक पार्क में रख सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार उसकी सप्लाई स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। ऐसे में दूसरे राज्यों के सामान को लाने में होने वाले खर्च से आसानी से बचा जा सकता है। बता दें कि लॉजिस्टिक पार्क वैसे स्थानों पर बनाया जा रहा है जहां पर सड़कों की कनेक्टिविटी हो या फिर बंदरगाह हो या फिर हवाई सेवा की सुविधा मिलती हो। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि लॉजिस्टिक पार्क में वाहनों की मरम्मत और खड़ा करने के लिए गैराज के साथ मैकेनिक की सुविधा, ट्रक ड्राइवर, हेल्पर और श्रमिकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक तरह से कहने की लॉजिस्टिक पार्क जो है बिहार में उद्योग को एक नई दिशा देगा जिससे कि कच्चे माल की प्रदेश में कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार का उद्योग विभाग खास करके इन दिनों बिहार में नए नए रोजगार और नए नए उद्योग को कैसे डेवलप किया जा सके इस पर विचार कर रहा है। साथ ही साथ युवाओं को प्रेरित कर रहा है ताकि प्रदेश में रोजगार तो मिल ही सके, साथ साथ नए नए उद्योग से युवा जुड़ सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।